हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो बड़ा कमाल होने वाला भैया। पार्सल्स के बारे में बात चल रही है, पार्सल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज जो पार्सल लेके आए वो है भैया LL1 पार्सल। इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसके फीचर्स के बारे में समझेंगे। LL1 पार्सल्स के साथ जुड़े हुए जो उसके स्ट्रक्चर्स हैं, जिनके साथ वो काम करके एक आउटपुट जनरेट करता है, उनके बारे में जानेंगे। तो एक ब्रीफ सा वीडियो है जिसमें आपको LL1 क्या होता है ये आइडिया आ जाएगा, ये समझ में आ जाएगा LL1 क्या है। सो बेसिकली पहले बता दूं, पार्सल्स दो टाइप के होते हैं, मेजरली दो टाइप के होते हैं। कौन से? एक होता भैया टॉप डाउन पार्सल और एक होता है बॉटम अप पार्सल। ठीक है, टॉप डाउन पार्सल की खासियत क्या है, ऐसा क्या है उसमें खास? तो सिंपल सी, आप स्टार्ट वेरिएबल से जब आप जाते हो टर्मिनल्स तक, मतलब एक सिंपली रूट से आप कहां जा रहे हो, लीफ तक। कैसे जा रहे हो? रूट से जब आप लीफ तक जाते हो, जो पार्स ट्री के बारे में बता रहा हूं, व्हेन यू गो फ्रॉम रूट टू द लीफ, यानी कि वेरिएबल से नॉन टर्मिनल तक जब आप जाते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ टॉप डाउन पार्सल। मतलब भाई टॉप से डाउन, टॉप से डाउन आप पार्स कर रहे हो अपने ट्री को, दैट इज अ टॉप डाउन पार्सल। एंड दूसरी चीज जो है बॉटम ऑफ पार्सल। बॉटम ऑफ पार्सल मतलब क्या? इनिशियली आपको नॉन टर्मिनल्स, इनिशियली आपको लीफ नोड्स दिए गए, अभी ऑन दैट बेसिस ऑफ नॉन टर्मिनल यू हैव टू गो टिल द रूट वेरिएबल, यू हैव टू गो टिल द रूट वेरिएबल, दैट इज अ बॉटम ऑफ पार्सल। अभी ये जो पार्सल भाई साहब है LL1, ये जो है किस कैटेगरी को फॉल करते हैं? दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ टॉप डाउन पार्सल। तो ये टॉप डाउन टाइप का पार्सल है। ठीक है, अब ये तो समझ में आया कि भाई टॉप डाउन पार्सल कितनी बार बताएगा, लेकिन ये LL और 1 ये क्या है? What do we mean by that first L, second L and then 1? What do we mean by that? सिंपल सी बात है, ये जो आपको L दिख रहा है, first L, it is called as a left right parsing। अभी left right parsing किसका हो रहा है, कब हो रहा है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सारी चीजें अभी इसी वीडियो में थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूं left right parsing मतलब क्या। ओके, उसके बाद आते हैं second वाला L। second वाला L is nothing but left most derivation। second वाला L का मतलब क्या होता है? left most derivation। see, आपने LOC में तो देखा होगा, LOC नहीं, TOC, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में आपने देखा होगा कि देयर आर सर्टेन टाइप्स लाइक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो ये होता क्या है? लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन मतलब क्या कि जब आप लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल को सबसे पहले एक्सपांड करते हो, क्या बोला मैंने, लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल यानी कि वेरिएबल, लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल को जब आप एक्सपांड करते हो दैट इज कॉल्ड एज अ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, और जब आप राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल को एक्सपांड करते हो दैट इज कॉल्ड एज अ राइट मोस्ट डेरिवेशन। ठीक है, तो ये सेकंड एल है आपका। तो ये जो LL1 पार्सल है ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को सपोर्ट करता है, फॉलो करता है। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, यहां पे कुछ LL ग्रामर करके एक चीज है। सी, कई सारे ग्रामर है, रेगुलर ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, ओके, मेनी टाइप्स ऑफ ग्रामर्स आर देयर। तो उसमें एक और ग्रामर है भैया LL ग्रामर। इसकी स्पेशलिटी बता दूं, ये जो LL ग्रामर है एक टाइप का सबसेट है, यू नो इट इज अ सब टाइप, ओके, इट्स अ सबसेट ऑफ व्हाट, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। मतलब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर अगर वहां पे तो भैया ये थोड़ा बहुत बेटा है, सो इट्स जस्ट अ सबसेट ऑफ दैट। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का जो सबसेट है वो है LL ग्रामर। ठीक है, और अभी इस LL ग्रामर को एक्सेप्ट कौन करता है, LL ग्रामर को एक्सेप्ट कौन करता है, LL1 पार्सल। अभी ये जो LL ग्रामर है ये कुछ इस तरीके से होता है कि अंडर LL ग्रामर यू विल नॉट फाइंड एनी ग्रामर विच इज एम्बिगुअस, है ना। कई सारे ग्रामर्स होते हैं, यू नो एम्बिगुअस ग्रामर्स होते हैं जो कि हम लोगों को ऑब्वियसली नहीं चाहिए। जब भी LL1 की हम बात करते हैं पार्सल की, वी डोंट वांट एम्बिगुअस ग्रामर्स, या वी डोंट वांट एनी एम्बिगुअस प्रोडक्शन, एम्बिगुअस ग्रामर। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है व्हेन वी आर कंसिडरिंग LL1। तो भैया एम्बिगुअस ही टर्म हटा ही डालो, नहीं चाहिए पिक्चर में, चाहिए नहीं एम्बिगुअस टर्म, तब जाके आप LL1 को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये जो परफेक्ट LL ग्रामर है ये वही बताता है कि यहाँ पे आपको एम्बिग्युटी नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको एम्बिगुअस नेचर नहीं मिलेगा। तो LL1 ग्रामर को एक्चुअली LL1 जो पार्सर है वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। ये थी उसके कुछ फीचर्स, ये थोड़ा सा यू नो एट्रीब्यूट्स ऑफ LL1। अभी मेन आते हैं स्ट्रक्चर्स के ऊपर, किस किस स्ट्रक्चर को आपका जो LL1 पार्सर है वो यूज करता है, पकड़ता है। ठीक है, फॉर जनरेटिंग अ पार्स ट्री। अभी आउटपुट क्या होता है, एक पार्सल जो LL1 पार्सल है उसका आउटपुट क्या होता है, सिंपली अ पार्स ट्री। लेकिन ये जनरेट करने के लिए भाई साहब LL1 किस किस का यूज करते हैं, किस किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, तो सबसे पहले आते हैं इनपुट बफर के ऊपर। सी, इनपुट बफर, जो भी आपके पार्सल को एज ए इनपुट सीक्वेंस स्ट्रिंग दी जाती है, वो कहां रखी जाती है, वेयर इट इज केप्ट, इट इज केप्ट इन द इनपुट बफर, इट इज केप्ट इन द इनपुट बफर। तो इतना जो पूरा एरिया, ये पूरा एरिया इसमें आपकी वो पूरी स्ट्रिंग बैठ जाएगी, एंड कंपल्सरीली एट द लास्ट ऑफ दिस इनपुट बफर एक डॉलर रखा जाता है।
कंपल्सरीली एट द लास्ट ऑफ द इनपुट बफर एक डॉलर रखा जाता है। अभी इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये जब हम लोग इसे इंप्लीमेंट करेंगे तब इसका सिग्निफिकेंस जानेंगे, ठीक है। और ये जो चीज मैंने यहाँ पे आपको होल्ड पे रखा था पहला वाला है लेफ्ट टू राइट पार्सिंग, तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट पार्सिंग किसका किया जाता है, इनपुट बफर का किया जाता है। मतलब आपका पॉइंटर इनिशियली यहाँ पे होता है लेफ्ट से शुरू होता है और फिर लेफ्ट से वो राइट में पार्सिंग चलता है टिल द डॉलर, टिल द डॉलर, और जैसे ही डॉलर दिख जाता है मतलब समझ लो आपकी जो इनपुट स्ट्रिंग है वो खत्म हो चुकी है, टर्मिनेट हो चुकी है, इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ हो नहीं सकता बिकॉज दिस इज द एंड सिंबल। तो इसीलिए मैंने बोला था ये लेफ्ट टू राइट पार्सिंग करता है किसका, इनपुट स्ट्रिंग का, और कौन करता है ये आपका सिंपली LL1 पार्सर, ठीक है कि नहीं। तो ये पार्सिंग कैसे हो रहा है फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग, कहां रखा जाता है इनपुट बफर में। एक और स्ट्रक्चर है जो कि है स्टैक, यहां पे है तो ये स्टैक हम लोग यूज करते हैं। स्टैक क्या सिंपली ओके जो सबसे पहले आया वो सबसे लास्ट में जाएगा, बराबर, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट आया वो सबसे पहले निकलेगा। तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर जो है हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, स्टैक यूज करते हैं। और इनिशियली यहाँ पे जो टॉप ऑफ द स्टैक होता है, मतलब जब कोई एलिमेंट अभी तक आया नहीं है स्टैक के अंदर, तो इनिशियल स्टेज पे जो आपका टॉप ऑफ द स्टैक होता है वो होता है डॉलर। इनिशियली आपका टॉप ऑफ द स्टैक क्या होता है डॉलर, और उसके बाद फिर एक 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 एलिमेंट आते जाते हैं और ये सबसे नीचे रहता है, बराबर, ये सबसे नीचे रहता है फिर, क्योंकि इसके ऊपर फिर वापस से एलिमेंट आते जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज इनिशियली टॉप ऑफ द स्टैक इनिशियली, ओके। ये तो दो स्ट्रक्चर हो गए, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है आपका LL1 पार्सर, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये अगर LL1 पार्सर के पास नहीं होती ना तो इन दोनों का कुछ यूज नहीं, कुछ भी यूज नहीं, लिटरली कुछ यूज नहीं है, बिकॉज इट इज लाइक अ ब्रेन। ये जो है ना ये आपका इट इज लाइक अ ब्रेन, ये ब्रेन की तरह है आपका इनपुट, दैट इज LL1 पार्सिंग टेबल जो है इट इज जस्ट लाइक अ ब्रेन टू योर LL1 पार्सर। अगर ये नहीं है तो आप पागल हो जाओगे, मतलब एक तरीके से कुछ समझ में नहीं आएगा, नथिंग, व्हाट टू डू, कुछ नहीं भैया मेरे पास इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है। तो ये एक तरीके से ब्रेन की तरह काम करता है। अब ये जो पार्सिंग टेबल है, ये पार्सिंग टेबल कैसे बनाते हैं, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये मैं अभी आपको बता देता हूं। तो जब भी आपको पार्सिंग टेबल तैयार करना है रिलेटेड विद LL1, LL1 का जब आपको पार्सिंग टेबल जनरेट करना है, आपको फर्स्ट एंड फॉलो, ये दो चीजें क्या होती है ये पता होना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉलो क्या होता है, फर्स्ट एंड फॉलो फॉर अ पर्टिकुलर गिवन ग्रामर कैसे जनरेट किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए, और फिर उसके जनरेशन के बाद फर्स्ट एंड फॉलो पता लगने के बाद फिर उस पर्टिकुलर ग्रामर के लिए, फिर उस पर्टिकुलर ग्रामर के लिए हम लोग क्या करते हैं एक पार्सिंग टेबल बनाते हैं विच इज LL1 पार्सिंग टेबल। तो ये सारा का सारा जो प्रोसीजर मैंने अभी आपको बताया कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्सिंग टेबल LL1 पार्सिंग टेबल, इसको एक सेपरेट से वीडियो में लेते हैं ताकि आपको बढ़िया तरीके से एग्जांपल के साथ मैं समझा सकूं और ये वीडियो भी ज्यादा लेंथी ना हो पाए। तो ये जो है इसकी नेसेसिटी क्या है, पार्सिंग टेबल बनाना है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए फर्स्ट एंड फॉलो क्या होता है, फर्स्ट एंड फॉलो पता चल गया तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट फर्स्ट एंड फॉलो आप पार्सिंग टेबल को जनरेट कर सकते हो। तो इन सारी चीजों को यूज करके LL1 जो पार्सर है वो अपनी फंक्शनलिटीज को कैरी आउट करता है। तो आई होप दोस्तों ये बहुत ही बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें मैंने LL1 के हर फीचर के बारे में बताया, हर स्ट्रक्चर के बारे में बताया जो कि वो यूज करता है। अगले वीडियो में हमने फर्स्ट एंड फॉलो इसको थोड़ा सा जानना है एग्जाम्पल के साथ। ये वीडियो बाय द वे अगर आपको पसंद आ गया होगा, थोड़ा समझ में आ गया होगा, 1% भी अगर मेरी तरफ से आपके लिए मदद हो गई होगी तो इस मदद को आप प्रोपेगेट कर सकते हो, मेरे वीडियोस को शेयर कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।